तो जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है अग्निवीर नेवी फॉर्म के ऊपर कि हाउ टू फिल अग्निवीर नेवी फॉर्म अग्निवीर नेवी का फॉर्म कैसे भरें आपके जो भी डाउट्स हैं रिलेटेड अग्निवीर नेवी फॉर्म वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपको हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आप रजिस्टर करोगे और एंड में जहाँ पे करना होता है वहां तक हम आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और एक और बात मैं बताना चाहूंगा इससे पहले हमने आर्मी का जो फॉर्म होता है इंडियन आर्मी का वो कैसे भरना है अग्निवीर के लिए उसका हमने वीडियो डाला था तो उसके जो स्टेप्स हैं और नेवी और एयरफोर्स के जो स्टेप्स हैं फॉर्म भरने के ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं जो डिटेल्स डालने होते हैं क्या क्या आपको एड्रेस डालना होता है कहाँ पे क्या डालना तो चीजें बहुत सिंपल होती हैं अगर आप उस वीडियो को भी देख, देख लोगे तो आपको फेयर आइडिया हो जाएगा कि चीज़ों को कैसे आगे अप्लाई करना है ठीक है तो इस वीडियो को भी आप पूरा देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सो so दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें और अगर आपको अग्निवीर बनना है तो आपको पता है आपको कहाँ आना है आपको आना है अग्निवीर ऑनलाइन डॉट कॉम यहाँ आपकी हेल्प के लिए मिलेंगे आपको ई बुक्स बुक्स मॉडल पेपर्स जैसे कई सारे रिसोर्सेज जो कि आपको अग्निवीर बनने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले आपको अगर अग्निवीर नेवी के लिए अप्लाई करना है तो आपको आना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है डब्ल्यू 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 डॉट ज्वाइन इंडियन नेवी डॉट जी ओ वी डॉट इन आप एक बार वेबसाइट के अंदर आ गए देन आपको नीचे आना है वेबसाइट में और यहाँ जॉइन है जगनी का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है ठीक है इस पर एक बार आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होगा विंडो में यहाँ पे कैंडिडेट लॉग इन होगा रजिस्टर होगा यहां पर नहीं आपको यहां नीचे जाना है अप्लाई ऑनलाइन में ठीक है और यहां पे बोलेगा कंप्लीट योर एप्लीकेशन और ऑनलाइन नाउ ठीक है यहां पे आपको क्लिक करना है इस पर अगर आप क्लिक कर दोगे तो ऐसा विंडो आपके सामने ओपन होगा जो कि सबसे पहले पूछेगा कि भाई आपका कॉरस्पॉन्डेंट स्टेट क्या है किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर से चूज़ करना है ड्रॉप डाउन मैन्यू से कैप्चा डालना है और सेव कर देना है सेव आप एक बार कर दोगे तो उसके बाद आपका एक और विंडो ओपन होगा जिसमें वो बोलेगा कि भाई अब बताओ आप नए यूज़र हो या पुराने यूजर हो अगर आप पुराने यूज़र हो तो आप डायरेक्ट अपने ई एड्रेस एंड पासवर्ड यहाँ डाल सकते हो विथ कैप्चा सेव करोगे तो आप एंटर कर जाओगे अपने डैशबोर्ड पर अगर आप नए यूजर हो तो यहां पे आपको रजिस्टर क्लिक करना है हम सीनियर लेके चल रहे हैं कि हम नए यूजर हैं तो हम इस तरीके से जाएंगे सबसे पहले हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो हमारे को दो ऑप्शन आएंगे कि भाई हम वर्चुअल आईडी आधार वर्चुअल आईडी से रजिस्टर करना चाहते हैं अपने आपको या विदाउट आधार कार्ड से रजिस्टर करना चाहते हैं देखो यहां पे वर्चुअल आईडी का जिक्र है ये नॉर्मल आधार आईडी नहीं है ये वर्चुअल आईडी है वर्चुअल आईडी डिफरेंट होता है आपके नॉर्मल आधार आईडी से नॉर्मल आधार आईडी में आपके 16 डिजिट के एक सीरीज होती है नंबर्स की वर्चुअल आईडी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है ठीक है कैसे इसमें रजिस्टर करना है कैसे आपको आगे बढ़ना है वर्चुअल आईडी में वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में ठीक तो सबसे पहला सीनारी लेके चलते हैं कि हम रजिस्टर कर रहे हैं वर्चुअल आधार आई से ठीक है हमने क्लिक करा वर्चुअल आधार आई डी ऑप्शन पे सेवन कंटिन्यू करा तो हमें ऐसा विंडो ओपन हो गया इस विंडो में देखो सबसे पहले मांग रहा है कि सोलह डिजिट का आधार वर्चुअल आईडी भेजो ठीक है एंड सेंड ओटीपी बटन सोलह डिजिट का जो हमें आधार का वर्चुअल आईडी है वो हमारे नंबर पे आता है कैसे आता है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा वो यहां पे हमें डालना है और वो नंबर हमें यहाँ डालना है जिस नंबर से हमारा आधार कार्ड लिंक्ड है देन इस चेकबॉक्स को क्लिक करके यहां नीचे अपने हम कैप्चा भरेंगे और सेव कर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो हम अंदर रजिस्ट्रेशन वाले जो फॉर्म होता है उसके अंदर एंटर कर जाएंगे ये तो था पहला सीनरियो ठीक है अब इसमें कैसे आपको वर्चुअल आईडी बनानी है उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है यू आई डी ए आई डॉट गवर्नमेंट डॉट इन ये है आपकी इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट जिससे कि आप आधार से रिलेटेड सभी डिटेल्स पा सकते हो इस वेबसाइट के अंदर हम जाएंगे तो ऐसा एक इंटरफेस खुल के आएगा वेबसाइट का उसमें आप जाओगे माई आधार ऑप्शन पर यहाँ पर माई आधार ऑप्शन में आधार सर्विसेज पर आपको यहाँ पर आना है ठीक आधार सर्विसेज में यहाँ पर वर्चुअल आई करके आपका आएगा वर्चुअल आई जनरेटर ठीक है इस पर क्लिक करोगे आप इस पे क्लिक करने के बाद एक पेज खुलने वाला है इस पेज में आप नीचे आओगे तो यहां पे वी आई डी जनरेटर आपको दिखेगा इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है देन आपको यहां पर अपना आधार नंबर डालना है ठीक है एंटर आधार नंबर पहले आपको यहाँ पे क्लिक कर देना कि जनरेट वी आई डी राइट और फिर कैप्चा डाल देना और सेंड ओ टीपी कर देना है दैट्स इट जो भी नंबर आपके आधार के साथ लिंक्ड होगा उसी नंबर पे आपका वर्चुअल आईडी जो वी आई आपका वो आ जाएगा ठीक आई आ जाएगा उसको फिर आपको दोबारा इसी फॉर्म पर आना है इसी फॉर्म पर आपको वर्चुअल आई डालना है नंबर डालना है जो आधार के साथ है 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 को क्लिक करना है, कैप्चा भरना है, सेव एंड कंटिन्यू देन आप रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पर आ जाओगे ठीक ये तो था पहला अब दूसरा सिनारी हम देखते हैं दूसरे सिनारियो में देखो रजिस्टर विदाउट आधार कार्ड पहला तो था कि वर्चुअल आईडी के साथ करो वो मैंने आपको बता दिया अब विदाउट आधार में क्या होता है दो चीज़ें वो आपसे पूछेगा कि एक स्टेट गवर्नमेंट की अपनी आईडी अपलोड करो और उसका नंबर अपलोड करो तो जो स्टेट गवर्नमेंट आईडीज में आता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस आएगा वोटर आईडी आएगा पैन कार्ड आएगा टेंथ का डॉक्यूमेंट आएगा वो एक चूज करना है आपको देन उसका नंबर यहाँ पे आपको डालना है कैप्चा डालना है और सेव कर देना है देखो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप वर्चुअल आई के साथ जाइए एज कम्पेयर टू कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है उसका नंबर ढूंढे क्योंकि बहुत ज़्यादा टी होता है और अगर एक बार आपका आधार के साथ नंबर लिंक्ड हो गया तो वो आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के फॉर्म भरने में काम आता है ठीक है तो ये चीज तो आप करवा ही लें कि अपना नंबर आप आधार के साथ क्लिंक करा लीजिए और अपना वी आई डी जरूर जनरेट जन्रे, करवा दीजिए बहुत दो तीन सिंपल स्टेप्स में हो जाता है जो हमने आपको बता ही दिया है तो एनी वेज आप रजिस्टर कर सकते हो ऐसे करके सेव पे आप क्लिक कर दोगे सेव पे क्लिक करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पर आ जाओगे अंदर इसमें आपसे पूछेगा आपका फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम मोबाइल नंबर गार्डियन का नेम आपके फादर मदर नेम पैन कार्ड डेट ऑफ बर्थ आपकी नेशनैलिटी क्या है डोमेसाइल कहाँ का है आपका ठीक है ये सब चीज़ें ये आपसे पूछने वाला है ये सब चीज़ें आपको भर देनी है एक बार आप भर दोगे उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आता है आपका एजुकेशनल डिटेल्स का एजुकेशनल डिटेल्स में आपकी हाइस्ट क्वालिफिकेशन क्या है बारहवीं हो तो बारहवीं ही डालेंगे आप एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो भी आप यहाँ पे भर दोगे ये चीज़ भरने के बाद आपको आना है अकाउंट डिटेल्स में अकाउंट डिटेल की बात करें तो ये बोलेगा कि भाई पहले अपना ई मेल डालो जो कि आपका अब लॉग करने के टाइम जो आप ई मेल डालोगे वो यहाँ पे आपको ई मेल डालना है अब ये बोलेगा कि पासवर्ड बनाओ अपने लॉग करने के लिए तो यहाँ पे एक पासवर्ड बनाए और कंफर दोबारा से उस पासवर्ड को यहाँ पे टाइप कर दें मैं रिकमेंड करूँगा आप इजी सा कोई पासवर्ड रखें अपना जो कि आपको याद रहे क्योंकि देखो इन साइट्स में कोई ऐसा तो है नहीं कि आपका पैसा पड़ा हुआ है राइट इजी पासवर्ड रखो जो कि इजीली आपको याद हो जाए हो सके तो कहीं पे लिख लो ज्यादा बेटर है ठीक है कंफर्म पासवर्ड आप लिख दोगे अपना यहाँ पे कैप्चा डालोगे दोनों चेकबॉक्स को क्लिक करोगे एंड सेव आप कर दोगे सेव आप कर दोगे तो यहां पे आपको एक ऑप्शन आएगा कि आपका अकाउंट बन गया है और एक नोटिफिकेशन आपको ई मेल भेज दी गई है और उस ई को याद रखें आप चौबीस घंटे के अंदर अंदर उस ई को जरूर खोल लें क्योंकि अगर आपने चौबीस घंटे के अंदर उसको नहीं खोला तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा ठीक है अब हम खोलते हैं ई मेल अपनी ईमेल आईडी जब हम खोलते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि भाई ऐसा हमारे पास एक ईमेल आ जाता है ज्वाइन इंडियन नेवी का ठीक है ज्वाइंट इंडियन नेवी का अब ये यह यहाँ पे बोलता है कि क्लिक हेयर ऑप्शन देखो ये क्लिक हेयर आ रहा है यहाँ पे क्लिक हेयर पे हमको क्लिक करना है तो हम वापस से ज्वाइन इंडियन नेवी की साइट पर आएंगे यहाँ पर हमारा एक ऑटोमेटिकली हमारे नंबर पर ओ आ जाएगा एक जैसे हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे ओ को यहाँ पर डालना है कैप्चा यहाँ पर डालना है और वेरीफाई कर देना है अगर किसी कारणवश आपका ओटीपी नहीं आता है तो आपको रिसेंट ओटीपी क्लिक कर देना है तो आपके फोन में दोबारा आ जाएगा ओ डाला कैप्चा डाला और वेरीफाई कर दिया ये हो जाएगा आपका सक्सेसफुली कंफर्म्ड हो जाएगा ठीक है देन दोबारा से आपसे पूछेगा कि भाई आप अपना स्टेट बताओ स्टेट आप डाल दोगे जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर दो कैप्चा डालोगे और सेव कर दोगे ठीक अब वापस से आप आओगे अपनी लॉग स्क्रीन के ऊपर लॉग स्क्रीन में जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपना ई मेल और पासवर्ड बनाया था उन दोनों को हम यहाँ डालेंगे देन हम यहाँ पे डालेंगे अपना कैप्चा कैप्चा हमने यहाँ पे डाल दिया और हम इसको लॉग कर देंगे ठीक लॉग करने के बाद अब हम एक्चुअल में फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे सबसे पहली चीज जो हम इसको भरनी है हमें वो है एजुकेशनल पर्टिकुलर्स मतलब एजुकेशनल आपको डिटेल्स अपनी भरनी है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने पहले ही बता दी थी फॉर्म uh, में जब आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे थे बारहवीं आपने करी हुई है डोमेसाइल आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा इसके बाद डिटेल्स ऑफ ट्वेल्थ साइंस क्वालिफिकेशन अब आपको अपनी डिटेल्स भरनी होगी अब देखो डिटेल्स में क्या है दो तरीके से होता है या तो आप अपने मार्क्स डालोगे या अपना आप सी जी पी ए डालोगे ठीक है मार्क्स डालने तो सिंपल है इंग्लिश में कितने मार्क्स आए थे और कितने नंबर में से लेट से इंग्लिश में आपके साठ नंबर है तो कितने में से सौ में से है ना तो ऐसे करके आपको अपने सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स भर देना है ये हुआ पहला सिनेरियो अगर सी जी पी ए है सी जी पी ए है तो आपको सबसे पहले यहां पे वो डॉक्यूमेंट डालना है जिसमें कि आपका कन्वर्जन फॉर्मूला होता है मेजरली बता रहा हूं कन्वर्जन फॉर्मूला आपकी मार्कशीट के पीछे लिखा होता है तो उसका फोटो खींच के आपको यहाँ पे डाल देना है जिसमें कि ये लिखा होता है कि भाई जो आपके नंबर है क्योंकि सी जी पी ए दस में से होता है सौ में से नहीं तो वो जिस तरीके से उसको कन्वर्ट कर रहा है उसकी फोटो खींच के आपको डाल दीना है सो दैट जो सिस्टम है वो उसको अपने आप कैलकुलेट करे बाद में ठीक है सी जी पे अगर आपने चूज करा है देन यहाँ पे आप अपने नंबर नम, लिखोगे और कितने में से आपको नंबर मिले ये सब करके आपको डाल देना है ठीक ये सब डालने के बाद आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने हैं देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं जो कि बहुत सारे आई सी एस सी सी बी एस ई स्कूल्स में ऑप्शन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट दिए जाते हैं बच्चों को अगर वो है तो आप यहाँ पे डालिए नहीं तो ऑप्शनल अगर हो तो ठीक नहीं है तो तो भी ठीक सीरियल नंबर डालोगे आप अपनी मार्कशीट का ठीक है किस स्टेट से आपने दिया वो यहां पे डालोगे बोर्ड कौन सा था वो आप यहां पे डालोगे अब इसके बाद आपको भरना होगा टेंथ का डिटेल ठीक टेंथ के डिटेल में भी सेम आपको अगर आपके पास मार्क्स हैं तो मार्क्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहां पर टोटल मार्क्स और कितने आपने ऑप्टेंड करे थे वो डालेंगे परसेंटेज बेस्ड ऑन मार्क्स यहां पर आप डालोगे और ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा ठीक सी जी पी ए के, के केस में भी आपको मैं आगे बताऊंगा सीरियल नंबर ऑफ मार्क्सिट आम डालेंगे अपना स्टेट कंडक्टेड एग्जाम जहां पे स्टेट आपका कंडक्ट हुआ था एग्जाम ठीक है बोर्ड अपने टेंथ की मार्कशीट आप यहाँ पे डालेंगे एंड मार्कशीट का साइज एक एम से कम ही होना चाहिए और आपका पासिंग सर्टिफिकेट दस का यहाँ पे आप डालोगे ठीक वो तो थी देन सीरियल नंबर आपका मार्कशीट कंडक्टेड एग्जाम टेंथ मार्कशीट सेम जो सी जी पी एम अगर आप चूज करोगे तो ये सिनारियो रहने वाला है पासिंग सर्टिफिकेट आप आप डालोगे कैप्चा डालोगे और सेव कर दोगे तो दसवीं और बारहवीं की आपने डिटेल डाल के कर दिए सेव ठीक है यहाँ पे आ गया एजुकेशन प्रोफाइल हैज बिन अपलोडेड सक्सेसफुली अब दूसरा होगा आपका एड्रेस का एड्रेस में आपको एड्रेस वन डालना है एड्रेस टू डालना है अपना स्टेट चूज करके डालना है डिस्ट्रिक्ट चूज करके डालना है पिन कोड मोबाइल नंबर ई मेल ये सब आपके ऑलरेडी डले हुए थे ठीक है ये सब डाल दिया आपने उसके बाद कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछता है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है तो आप इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दोगे एंड अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेल्स फिल हो जाएंगे ठीक अब उसके बाद बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपसे पूछता है ये कि अपनी पासपोर्ट साइज फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं ठीक पासपोर्ट साइज फोटो सिग्नेचर इनके साइज यहाँ पे दिए हुए हैं कि फोटो सौ के बी से नीचे की होनी चाहिए और जो सिग्नेचर है वो भी सौ के बी से नीचे का होना चाहिए और दूसरा डोमेसाइल आपको यहाँ पे डालना है ठीक एक चीज हमारे को देखने की यह है कि जो आपकी फोटो होगी ना फोटो में आपका बैकग्राउंड होना चाहिए ब्लू क्योंकि ये एज पर दी ज्वाइन इंडियन नेवी की नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि जो आप जो भी आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होगी उसमें ब्लू बैकग्राउंड होना मैंडेट है तो मेक श्योर sure करें कि बैकग्राउंड में ब्लू जरूर हो ठीक ये सब डॉक्यूमेंट भरने के बाद अपना कैप्चा आप यहाँ पर डालोगे और सेव कर दोगे सेव करते ही आपका ये भी सेव हो जाएगा आपके जो एड्रेस डिटेल्स है वो भी सेव हो जाएंगे अब क्या होगा लास्ट में आपका डैशबोर्ड बताएगा कि भाई टोटली totally आपकी जो एप्लीकेशन है वो फिल हो चुकी है देन आपके पास सारी डिटेल्स आएंगे देखो आपका नाम फलाना जो भी है इन सब चीज़ों को आप एक बार चेक कर लें चेक करने के बाद अगर आपको एडिट करना है आपको लगता है एड्रेस में कहीं पे दिक्कत है या पासवर्ड चेंज करना है एजुकेशनल पर्टिकुलर चेंज करना है तो सब आप सभी को एडिट कर सकते हो ठीक है इसको दो बार क्रॉस चेक करें अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई गलती है अगर आपको लगता है ठीक है तो आप ओके okay कर सकते हो ओके okay करने के बाद आप क्या करोगे दोबारा से अपनी प्रोफाइल के अंदर आओगे लॉग uh, इन करोगे उन्हीं ई मेल और पासवर्ड के साथ उस पर क्लिक करने के बाद आप आओगे अपने डैशबोर्ड के अंदर डैशबोर्ड के अंदर करंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर आपको आना है करंट अपॉर्चुनिटीज में आप देखोगे या तो आप एज एन ऑफिसर या या एज एन अग्निवीर अप्लाई कर सकते हो अगर आप अग्निवीर के लिए जो भी वैकेंसी आई होती है वो यहीं पे दिख जाती है ठीक है एम की एस की वो यहीं पर दिख जाती है जो भी आपको दिखे उसके ऊपर आप सिंपली क्लिक कर दो ना क्लिक करने के बाद आगे आपको कुछ नहीं करना होता सीधे आप अप्लाई करोगे पेमेंट करोगे एंड आप अप्लाई कर सकते हो अग्निवीर के लिए तो ये था टोटल प्रोसेस अग्निवीर भर्ती का और उसमें कैसे आपको फॉर्म फिल करना है आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हो यहाँ भी हम आपको सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन डॉट कॉम से मिलेंगे मेक श्योर करें वहाँ भी आप हमें फॉलो करें और ऐसे ही प्यार देते रहें जय हिंद